प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने आध्यात्मिक गुरु के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सैकड़ों साल पुराने भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है, अब युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप को एक साथ देखने में लगे हैं। मैं श्रील प्रभुपाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और मैं उनके अनुयायियों को उनकी 150वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे उनकी स्मृति में स्मारिका और सिक्का जारी करने का सौभाग्य मिला है। ये जयंती ऐसे समय में हम मना रहे हैं जब कुछ दिन पहले सैकड़ों साल पुराना भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरे पर जो लाश दिख रहा है, इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला और मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है।